ओके, सो अभी हम पढ़ने वाले हैं भाई पोलराइजेशन करने वाले हैं। ठीक है, पोलराइजेशन का मतलब होता है कि भाई डाइपोल तैयार करना, ये हम कहेंगे हम पोलराइजेशन का काम है। ठीक है, पोलराइजेशन करें, पोलराइजेशन के कारण डाइपोल तैयार होता है। ठीक है, तो अभी हम पोलराइजेशन करने वाले, लेकिन किसका पोलराइजेशन करने वाले हैं? तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का करने वाले। किसका करने वाले हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का हम पोलराइजेशन करने वाले हैं। सो पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी हमने देखा था नॉन पोलर मतलब कैसे थे, वो सेम एटम से बने हुए थे। ठीक है, वो सेम एटम से बने हुए थे, ये था पॉजिटिव, ये था निगेटिव, उनके जो है नहीं, वो डायटोमिक थे, और यहाँ पे एक ही जगह पे उनका सेंटर था। किसका? पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास जो है वो एक ही पॉइंट पे आ रहा था। तो अभी क्या होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या होता है? तो पोलराइजेशन हो जाएगा, मतलब निगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस है वो शिफ्ट हो जाएंगे, और एग्जैक्टली सभी मॉलिक्यूल का सब्सटेंस के जो सभी के सभी मॉलिक्यूल है उनके पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास एक डायरेक्शन में आ जाएगा और निगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास एक डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हो क्या होता है। इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ठीक है, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ नॉन पोलर इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक इज पुल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ई नॉट। मान लेते कि पहले हमारे पास में कुछ इस प्रकार से नॉन पोलर है मॉलिक्यूल, दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और अभी यहां पे कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहां पे जीरो है। अभी हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया यहां पे, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ ना कुछ आ गया। अभी हमने क्या किया, इसको यहां पे रखा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव को यहां पे रखा, ये मॉलिक्यूल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से शुरू होती है? पॉजिटिव से। कहां पे एंड होती है? निगेटिव पे। तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब सर इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ निगेटिव चार्ज है, तो ये ऐसे का ऐसे रहेगा क्या? नहीं रहेगा, तो चेंजेस होंगे कुछ। तो चेंजेस क्या होंगे ये मैं चेंजेस बताने वाला हूं। पहले ऐसा दिखता था, अब कैसा? तो सर ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव यहां पे होगा, तो निगेटिव अगर निगेटिव चार्जेस इस तरफ होंगे तो इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज निगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, और इसका जो निगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव के इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी हमें उसी मॉलिक्यूल के हमें दो हिस्से में बंटवारा होते हुए दिखाई देगा इस तरीके से। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ऐसे हुआ कि पॉजिटिव जो था, पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है वो निगेटिव की तरफ शिफ्ट हो गया, और निगेटिव चार्ज जो है, निगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक फोर्स लगाई इस पॉजिटिव चार्ज पे और इस निगेटिव चार्ज पे, उसके कारण क्या हुआ, ये दोनों सेपरेट हो गए। अब सेपरेट कब तक होंगे? जब तक बाहर की फोर्स और अंदर की फोर्स इक्वल नहीं हो जाती। इक्वल हो गया तो सेपरेशन रुक जाएगा। अगर समझो यहां पे इस इतने डिस्टेंस पे सेपरेशन हो गया, और अंदर की फोर्स और बाहर की फोर्स, अंदर की फोर्स मतलब इन दोनों के बीच की फोर्स और बाहर की फोर्स, दोनों फोर्स अगर इक्वल हो गई तो सेपरेशन थम जाएगा। ठीक है, जिस वक्त फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी, एक्सटर्नल फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स मतलब अंदर में डेवलप होंगी कि भाई अभी तू सेपरेट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, अभी टूटने वाला है, लेकिन उसने बचा लिया क्योंकि अभी बाहर की फोर्स की वैल्यू और अंदर की फोर्स की वैल्यू अब इक्वल होगी, तो अभी ये टूटने नहीं गया, अभी ऐसे पकड़ के रखेगा। ठीक है, अभी इतने पे रहते हैं, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव इस तरह से हो गया। तो ऐसे ही काम होता है। अब सोचो इसका सेंटर ऑफ मास डिस्टॉर्ट हो गया होगा, क्यों? क्योंकि ये पहले ऐसा था, अभी पॉजिटिव चार्ज इस तरफ चला गया, निगेटिव चार्ज इस तरफ चला गया, अभी सेंटर भी तो शिफ्ट हो जाएगा ना, तो इसका मॉलिक्यूल जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। तो अभी कब तक डिस्टॉर्ट, डिस्प्लेसमेंट कब तक होगा चार्जेस का? तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो चार्जेस का स्टॉप होगा, लेकिन कब? व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो भाई इसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, समझो। तो वो जो बैलेंस करने, वो जो बाहर का फोर्स है उतना ही फोर्स ये दोनों चार्ज अंदर में डेवलप करेंगे, ठीक है ना। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब किसी चीज को अगर हम इस तरफ खींचेंगे तो देखो ये पेन पहले नहीं, कैप जो है ये बहुत खींचने पे निकल रही है, क्योंकि अंदर में जो है रिस्टोरिंग फोर्स चल रहा है यहाँ पे बाय फ्रिक्शन, समझ, यहाँ पे फ्रिक्शन है,
फ्रिक्शन है ना इन दोनों के बीच में, तो अभी तो खचक से आवाज आ रही है ना, तो जब मैं इसको बाहर खींचूंगा तो भैया मुझे कुछ अपोज कर रहा है, कौन है वो? रिस्टोरिंग फोर्स। तो सिमिलरली यहां पर भी रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया, उसके कारण अभी अभी और सेपरेशन नहीं होगा, इतने पे ही सेपरेशन रुक जाएगा। तो डाइपोल जो है वो बन गया यहां पे। पहले डाइपोल था क्या? नहीं, लेकिन हमने डाइपोल बनाया। कैसे बनाया? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड दे के बनाया। तो यहां पे ई नॉट जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस वक्त, इसकी वैल्यू जीरो है। तो सभी के सभी जो मॉलिक्यूल है ऐसे ऐसे दिखेंगे हमें, जिसका सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव नेगेटिव का एक ही जगह पे होगा। लेकिन जैसे मैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू जीरो नहीं है, अभी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे जीरो थी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जैसा है वैसे का वैसे दिख रहा था। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बदल गई, तो अभी क्या होगा? अभी इसका जो है, इसका पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में शिफ्ट होगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट होगा, पुल्ड होगा किस दिशा में? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ। तो हमारा पॉजिटिव चार्ज किस तरफ शिफ्ट होगा? यहाँ पे। तो नेगेटिव चार्ज किस तरफ आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में। देखो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरफ नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करके वहां पे लेके जाता है। तो हमें अभी इस तरीके से हमें डाइपोल मिला। सिमिलरली इसका भी वही हाल होगा कि भैया यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, इसका पॉजिटिव इस तरफ शिफ्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में। तो ये ऐसा दिखेगा हमें फिर से अगेन। इस तरफ भी और होगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यहां पर भी ऐसे होगा। सिमिलरली नीचे वाला भी सेम टू सेम होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और इनका भी सेम टू सेम ऐसा सेपरेशन होगा। ये पूरी तरीके से नहीं छोड़ते, ठीक है ना, यहाँ पे पकड़ के रखा है, पूरी तरीके से नहीं छोड़ा है किसी ने भी, पकड़ के रखा है। तो भैया ये प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा होगा, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये काम हुआ इसके साथ में। ये कौन से थे? ये कौन सा डाइलेक्ट्रिक है? नॉन पोलर, जिसका पोल नहीं बना था, ये एक ही सेंटर पे था पॉजिटिव नेगेटिव। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दे के उसको हमने सेपरेट कराया, डाइपोल बनाया। अब डाइपोल बनाने से देखो, इसका डाइपोल नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगा। सो सर ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा। ये नेगेटिव है पॉजिटिव, इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट कौन से डायरेक्शन में होगा? सर सभी के सभी इस डायरेक्शन में है, तो नेट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी यही होगा, इस तरफ, करेक्ट है। सो नेट डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में है? तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलिए हमने यहां तक बहुत सारा पढ़ लिया, अभी हमें पढ़ना है पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक। यहां पे सिर्फ पोलर लिखना है, नॉन पोलर खत्म हो गया यहां पे, अभी हमें पोलर का पोलराइजेशन करना है। सर पोलर का पोलराइजेशन क्या करे? वो तो पहले से पोलराइड है, मतलब पोलराइजेशन हो चुका है इसका। तो भैया उसको थोड़ा सा, अब उसका थ्योरी तो आप देख लोगे बुक में से, मैं उसका सिर्फ एक्सप्लेनेशन यहां पे कर रहा हूं कि होता क्या है, इससे अलग क्या है उसमें। तो बहुत ही प्यारा टॉपिक था ये, है ना कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण देखो कैसे सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज कैसे शिफ्ट हो रहा था, है ना? तो वही तो एक मजेदार चीज है यहाँ पे, यही तो सीखना है हमें यहाँ पे। तो हमें हमारे पास में नॉन पोलर है, पोलर मतलब जिसके पोल पहले से बने हुए, ठीक है, जिसके पोल पहले से बने हैं, तो ये पोलर डाइलेक्ट्रिक हमारे पास में है। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो रखेंगे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सटर्नल जीरो है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रखने वाले हैं कुछ ना कुछ। यह है पोलर डाइलेक्ट्रिक, और यह है पोलर डाइलेक्ट्रिक, यह भी वही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पे पोलर डाइलेक्ट्रिक इन प्रेजेंस ऑफ, नहीं यहां पे जीरो है ना, तो इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, और यहां पे आएगा पोलर डाइलेक्ट्रिक इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, बस हो गया। तो पूरा का पूरा खेल किसके ऊपर है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर है, ठीक है ना। पोलराइजेशन का पूरा खेल किसके ऊपर है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर है, ठीक है। तो अभी नॉन पोलर में किस तरीके से थे? तो नॉन पोलर में सर ऐसे दिख रहे थे हमें, समझो ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है,
समझो ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव है, समझो ये मॉलिक्यूल ऐसा है कुछ यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव है, समझो ये मॉलिक्यूल ऐसा दिख रहा है थोड़ा सा टेढ़ा, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव, कुछ भी हो ठीक है इस तरीके से है। तो अभी क्या होने वाला है ठीक है, सो ऐसी केस में हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देखे क्या करने वाले हैं, तो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव हो, यहाँ पे पॉजिटिव हो, ऐसे केसेस में क्या होने वाला है, ये सब कुछ क्या है सर, ये पहले से मॉलिक्यूल्स है, ये सब्सटेंस है, ये कौन सा सब्सटेंस है, ये डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, लेकिन कौन सा, पोलर डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, इसके अंदर में जो मॉलिक्यूल से बना होगा ये मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है, पहले से बना है, लेकिन इसका डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन किस तरफ है, निगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ, मतलब इस तरफ, इसका डायरेक्शन किस तरफ है, ये इस दिशा में, थोड़ा इस तरफ तिरछा है, इसका कैसा है, ये ऐसा है, इसका कैसा है, इस तरीके से, इसका कैसा है, इस डायरेक्शन में, तो यहां पे जो है नेट डाइपोल मोमेंट इसके ऊपर कितना हो रहा है, नेट डाइपोल मोमेंट पी इज इक्वल टू 0 बन रहा है, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है रैंडम है, ये रैंडमली ओरिएंटेड मॉलिक्यूल्स है अंदर में, उनका डाइपोल भी रैंडमली ओरिएंटेड है, मतलब इसका पॉजिटिव इस तरफ है, इसका पॉजिटिव देखो, इसका पॉजिटिव इस तरफ है, तो भैया किसी और इसका होगा इस तरफ और इस तरफ, तो इसको कैंसिल कर देगा, इसका इस तरफ है, इसका इस तरफ है, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, इसलिए यहाँ पे रैंडमली ओरिएंटेड है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देने से देखो क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब दोगे आप, मतलब यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, जब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो अभी क्या होने वाला, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा अगर इस डायरेक्शन में है, तो इस तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्ज होंगे और इस तरफ जो है वो निगेटिव चार्ज होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज से निकलती है और पॉजिटिव चार्ज की तरफ टर्मिनेट होती है, हमारा ऐसा मतलब हमने इस तरीके से पढ़ाई किया है। अब देखो होना होना क्या है, इसके साथ में क्या होगा, पहले इसके सर ये निगेटिव, ये पॉजिटिव है, तो ये इसका जो निगेटिव है ये पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये इसका जो निगेटिव है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ये पॉजिटिव जो है इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट अब इस डायरेक्शन में आ गया। यहां पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे पॉजिटिव इस तरफ है, लेकिन ये निगेटिव इस तरफ है, लेकिन थोड़ा टिल्ट है, तो ये भी पूरा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ऐसे, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, इसका डाइपोल मोमेंट भी इस तरफ पी पी ठीक है। अब सेम ये देखो, इसका पॉजिटिव इस तरफ है, इसका निगेटिव इस तरफ है, लेकिन ये भी सेम ऐसा बन जाएगा, इसका पॉजिटिव इस तरफ, इसका नेगेटिव इस तरफ, और डायपोल का मोमेंट का डायरेक्शन ये वाला, ये देखो ये ऐसा है, लेकिन क्या होगा, इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगा और इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगा, नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव इसको इस तरफ खींचेगा, और ये जो पॉजिटिव है इसको ये निगेटिव इस तरफ खींचेगा, तो ये भी ऐसा बन जाएगा पॉजिटिव निगेटिव, और इसका डायपोल भी मोमेंट इस तरफ होगा। सेम यहां पे इसको जो पॉजिटिव है ये निगेटिव उस तरफ खींचेगा, और ये जो निगेटिव है इसको इस तरफ खींचेगा, और ये तो देखो यहाँ पे टॉर्क लग रही है, टॉर्क तैयार हो रही है ना, हमने टॉर्क पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे देखो टॉर्क बन रही है। यहाँ पे देखो क्या होने वाला है सर, ये निगेटिव जो है ये पॉजिटिव इस तरफ खींचेगा इसे, और ये जो पॉजिटिव इस तरफ खींचेगा निगेटिव, तो भैया यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव ऐसा बन जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डायपोल मोमेंट इस तरह के इस डायरेक्शन में होगा, तो इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसका इस तरह, अभी देखो डायपोल मोमेंट सबका एडिशन करोगे तो आपको मिलेगा डायपोल मोमेंट P, और ये होगा नेट डायपोल मोमेंट, उसका डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में। तो देखो यहां पर भी हमने पोलराइजेशन किया, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव को पोलराइज किया, यहां पर कैसा था, रैंडमली ओरिएंटेड था, तो यहां पे नेट डायपोल मोमेंट कितना था, 0, लेकिन यहां पे कुछ ना कुछ रहेगा, यहां पे नॉट इक्वल टू 0, नेवर नॉट इक्वल टू 0 ठीक है, यहां पे कुछ ना कुछ बन जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो यही पढ़ना था हमें कि पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है। अब पोलराइजेशन किसके ऊपर डिपेंड है, तो सर हम देखते हैं अभी ठीक है कि भैया ये पोलराइजेशन किसके ऊपर डिपेंड है, तो देखो हमने क्या क्या दिया था, हम पोलराइजेशन को पी बोलने वाले, क्या बोलने वाले हैं, पी बोलने वाले हैं, तो हम बोलेंगे भाई पोलराइजेशन को हम पी बोलेंगे, पोलराइजेशन को हम पी बोलेंगे ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई बोलते हैं, तो हमें पता है ठीक है। सो अभी पोलराइजेशन किस कितना होगा, किसके ऊपर होगा, किसके ऊपर डिपेंड होगा, तो सर पोलराइजेशन जो है ये डिपेंड होगा आपने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ठीक है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो
तो सर ये पोलराइजेशन जो है किसके ऊपर डिपेंड है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज्यादा सेपरेशन होगा चार्जेस का, ये दूर जाएंगे। कम इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम सेपरेशन होगा चार्जेस का। तो ये जो पोलराइजेशन जो है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड है। तो यहां पे ये प्रोपोर्शनल है, मैंने बोला पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मुझे यहां से पोलराइजेशन का साइन ये जो प्रोपोर्शनल निकालना है, तो यहां पे इक्वल टू डालूंगा और यहां पे मैं एक सिंबल डालने वाला हूं और यहां पे रखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। और इसको बोलना है एक्स नॉट, ठीक है। तो ये जो है पी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भैया इनका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। ये जो आपको एक्स जैसा सिंबल दिख रहा है, इसको जो बोलना है आपको ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी। ये ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो ये बनेगा ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू पोलराइजेशन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड में आएगी यहां पे। तो ये हर एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगा या फिर हर एक मीडियम के लिए कांस्टेंट होगा। तो ये होता है पोलराइजेशन और ये जो हमने नई चीज पढ़ी ये है ससेप्टिबिलिटी, ठीक। तो ससेप्टिबिलिटी अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब थ्योरी था पोलराइजेशन का। तो पोलराइजेशन किसके ऊपर डिपेंड है? तो ज्यादा पूरा का पूरा डिपेंड है वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो पोलराइजेशन ज्यादा। लेकिन हर एक इसमें एक विलेन होता है और विलेन जो है वो ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके कारण जो है कम ज्यादा हो सकता है पोलराइजेशन। तो इस तरीके से इसको पढ़ना था। आई होप आपको थ्योरी पूरा समझ में आया होगा और बिल्कुल आप वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और वर्धा के जो बच्चे हैं उनके साथ में शेयर करें। वर्धा के जो स्टूडेंट हैं, जो आने वाले हैं ट्वेल्थ में, जो अभी दसवीं पास होके आने वाले हैं ट्वेल्थ में, एलेवेंथ में, उनके साथ शेयर करें। या फिर आपके जो बच्चे आपके जो दोस्त हैं जो अभी आपके साथ में ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं उनके साथ में शेयर करिए। और हमारे यहाँ पे जो भी क्लासेस होती है वो एलेवेंथ ट्वेल्थ के लिए होती है, फिजिक्स और एंट्रेंस के लिए भी हम पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे नीट और जेई का प्रिपरेशन भी कराते हैं, एमएससीडी का प्रिपरेशन भी कराते हैं। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।